फसल अवशेष प्रबंधन पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर ओपी श्रृंगी जो कि डीसीएम श्रीराम के वाइस प्रेसिडेंट है, हम इनसे बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सर, पराली को नहीं जलाएं तो उसके लिए जो है वो खेत के अंदर ही हम पराली को कैसे मिला करके कृषि की जो मृदा है उसकी उपजाऊ बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो पराली से है उसके अन्य उपयोग जैसे कि डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप, या कि इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड या जो अन्य प्रकार के इंडस्ट्रियल यूजेज हैं उसमें भी उनका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ किसान यह कर पाएगा यह संभव नहीं। बिल्कुल, जब तक कि सारी व्यवस्था कैसे उपलब्ध कराएंगे, सरकार पंचायत या जिला स्तर पर एक मॉडल जिसमें कि जो है वो सभी के सहभागी हो, सभी का जो है सहभाग होगा, तभी जो है वो किसान अपना जो पराली है वो उन स्थानों तक पहुंचा पाएगा। तो यहाँ पर इस मसले पर क्या विमर्श हुआ? नहीं, यहाँ मैंने बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये महसूस किया है कि सरकार इस बारे में बहुत ज़्यादा इस कमिटेड है कि जो है सरकार की तरफ से ही मशीनें खरीदी जाएं और जिला पंचायत स्तर पर वो मशीनें उपलब्ध रहें और उसके बाद में किसान उनको किराए पर लेकर के अपने यहाँ पर पराली की समस्याओं का समाधान कर सकते। ये मशीनें योगदान देंगी, मशीनें कहना है आपका कि सरकार की तरफ से बंदोबस्त उसका बजाते हो तो ये सरकार, बिहार सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो पराली से संबंधित मशीनरी है उन पर टोटल बजट का जो है वो जो कृषि के लिए बजट है उसका 15% अनुदान वो इसके ऊपर देगी। तो एक बहुत अच्छा एक अनुदान देगी सर, फिर भी लेकिन महंगी होंगी मशीनें, महंगी होंगी। तो ये चीज़ पता है कि जो बिहार के किसान हैं उनके पास बहुत छोटी ज़मीन है, मार्जिनल फार्मर्स हैं और उनके बस की बात नहीं कि वो इन मशीनों को अपने हिसाब पर खरीद सकें। इसलिए एक कोऑपरेटिव मूवमेंट टाइप एनजीओज है, जो दूसरी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाएं हैं, कृषि विभाग है, ये सब मिलकर एक संबंधित प्रयास करने की कोशिश करें। चलिए, तो अच्छा परिणाम मिलेगा, ये जहर जो है वो बंद होगा फैलने से। कैमरा पर्सन सप्त ऋषि के साथ पटना से स्वराज एक्सप्रेस के लिए नवेंदु।